नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कितनी गहरी दोस्ती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब नेतन्याहू भारत आते हैं तो मोदी सारे प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और नेतन्याहू चुनाव में मोदी के साथ अपनी दोस्ती के पोस्टर चौराहों पर लगवा देते हैं। लेकिन मंगलवार को मोदी के दोस्त पर फिलिस्तीन समर्थक आतंकी कहर बनकर टूटे। दरअसल इजराइल की सेना ने गाजा सिटी पर अचानक हवाई हमला कर इस्लामिक जिहाद गुट के एक कमांडर को ढेर कर दिया था, जिससे तिलमिलाए इस्लामिक जिहादी गुट ने चंद मिनटों में ही इजराइल पर पलटवार कर दिया। इन जिहादियों ने इजराइल पर एक के बाद एक सैकड़ों मिसाइलें दाग दी, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल के रक्षा विभाग के मुताबिक ये आतंकी संगठन इजराइल पर कई बड़े हमले करने की योजना बना रहा था, जिसके बाद सेना ने ये कदम उठाया था। इजराइल के हमले में जिहादी गुट का कमांडर बहा अबू अलका मारा गया। खबरों के मुताबिक इजराइल ने जब गाजा सिटी को निशाना बनाया तो अता और उसकी पत्नी तीसरी मंजिल पर सो रहे थे। इस हमले में अता के चार बच्चे और पड़ोसी भी घायल हुए। जैसे ही इस्लामिक जिहाद को अता की मौत की पुष्टि हुई, उसके चंद मिनटों में ही गाजा की तरफ से साउथ इजराइल की तरफ कई रॉकेट दागे गए। इजराइल में चारों तरफ हाई अलर्ट के सायरन बजने लगे कि गाजा की तरफ से मिसाइलें आ रही हैं। यह हमला मंगलवार शाम तक होता रहा। हालांकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वजह से इजराइल ने कई मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया। आतंक के खिलाफ इजराइल की लड़ाई पर भारत में भी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ ही घंटों में इंडिया विद इजराइल ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा। शिवम त्रिपाठी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, हम भारतीय हमेशा अपने इजरायली दोस्त के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तानी नाम के यूजर ने मोदी के साथ नेतन्याहू का मीम शेयर करते हुए कहा, आतंक के खिलाफ लड़ाई में हम इजराइल के साथ हैं। नवदीप नाम के यूजर ने कहा कि इजराइल हमारा सबसे करीबी दोस्त है, सब भारत और इजराइल पर छोड़ दो, ये दोनों आतंक को नहीं छोड़ेंगे, दोनों का एक ही दुश्मन है, आतंकवाद। एक और यूजर ने लिखा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, उन्हें मुंह तोड़ जवाब दो। अमित जाधव नाम के यूजर ने लिखा, भारत इजराइल के साथ है, था और रहेगा, आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। देखते ही देखते भारत में हजारों लोगों ने इजराइल के समर्थन में ट्वीट कर डाला।